रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा महल है जिसके अंदर खड़े होकर देखें तो बाहर से सारा कुछ नजर आता है, और महल के बाहर खड़े होकर देखें तो अंदर का सारा हुस्न दिखाई देता है। तो हुजूर तवज्जो दिलाते थे तो सहाबा में शौक पैदा होता था, या रसूलल्लाह किसको मिलेगा। वैसे ही दुनिया में भी बंदा को अच्छा घर देखता है तो कहता है, यार कितना अच्छा नक्शा है, किस खूबसूरती से बनाया। और जब हुजूर जिक्र करें और जन्नत के महल का जिक्र करें, शौक सहाबा का तवाना होता था, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको मिलेगा। तो नबी पाक ने चार बातें बयान की, फरमाया, एक वो बंदा जो अच्छी बात करे, वकूलुल लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहे, वो हमेशा माशरे में बुरी खबरें ही देने का आदी ना हो, लोगों की ऐब जोई ही उसका मिजाज ना हो, अच्छी बात करे। और दूसरा रसूल पाक ने फरमाया, खाना खिलाए, अहले ईमान की दावतें करे, और तीसरा फरमाया, कसरत से रोज़ा रखे, और चौथा फरमाया, जब लोग नींद के मज़े ले रहे हो ना तो ये उठकर अपने रब की इबादत करे। सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और किसी ने कहा था, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतिया मियान जगावे। फरमाया, जब लोग खब खदगोश में हों, नींद के मज़े ले रहे हों, तो रब के बंदे उठ के अपने रब को याद करते हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, ये चार चीज़ें जिन लोगों में पाई जाएं, हुज़ूर फरमाते हैं उन्हें वो आलीशान महल मिलेगा जिसकी तारीफ़ें गोया खुद रसूल करीम ने बयान